पाइल्स जितनी आम समस्या है उतनी गंभीर भी। पाइल्स से लोग अक्सर परेशान रहते हैं और खास करके उसके मस्से से। बता दें कि प्रभावित जगह के भीतरी व बाहरी भाग की सिराओं में सूजन आने के कारण गूदा का अंदरूनी हिस्सा बाहर आ जाता है। ये कई बार मस्से जैसा भी बन जाता है जिससे खून भी निकलने लगता है, जिससे लोगों को बहुत दिक्कत होती है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि पाइल्स के मसों का कारण क्या होता है। मसालेदार खाना खाना, ज्यादा लाल मिर्च खाना, ज्यादा चाय पीना और कब्ज की दिक्कत होना। अब बताएंगे कि कैसे इससे आप छुटकारा पा सकते हैं। सबसे पहली रेमेडी जो है वो नमक और फिटकरी की है। फिटकरी को तवे पे गरम करके पीस लें, इसमें नमक मिलाएं, इस मिश्रण को गुनगुने पानी में डालें और कुछ देर इस पानी में बैठे। दूसरा जो रेमेडी है वो त्रिफला का है। त्रिफला को पानी में उबालें, अब इसमें थोड़ा नॉर्मल पानी मिलाएं, 10-15 मिनट इस पानी में बैठ जाएं। तीसरी जो रेमेडी है वो सरसों के तेल की है। पाइल्स के मसों से निजात पाने के लिए सरसों के तेल को हल्का गर्म करके प्रभावित हिस्से पर लगाएं। आपने कौन सी रेमेडी यूज की है पाइल्स के मसों को दूर करने के लिए, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी के अलावा चैनल बोल्ड स्काई को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।